नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निस्वार्थ ज्ञान पर। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सावन महीने का रविवार अमावस्या पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अब भी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 4 अगस्त 2024 रविवार अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को वह 4 अगस्त 2024 आषाढ़ महीने का रविवार अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 4 अगस्त 2024 आषाढ़ महीने का रविवार अमावस्या के दिन इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी काला तिल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को 4 अगस्त 2024 रविवार अमावस्या के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि रविवार अमावस्या के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी काला तिल वाला जो उपाय है आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 4 अगस्त 2024 सावन महीने का रविवार अमावस्या के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी काला तिल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी काला तिल वाला जो उपाय है वो कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे
तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक छुटकी काला तिल वाला जो उपाय है को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप सा या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 4 अगस्त 2024 सावन महीने का रविवार अमावस्या का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। रविवार अमावस्या के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। आषाढ़ महीने की जो अमावस्या होती है यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा उत्तम होती है, क्योंकि आषाढ़ का ही एक ऐसा महीना होता है जिसमें महादेव और श्री हरि विष्णु का पूजन एक साथ किया जाता है। और अमावस्या का दिन ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आइडिया भी नहीं होता, जिन्हें थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि पितृ अगर हमारे हमसे नाराज हो जाए, ना तो जीवन में दुख ऐसे आते हैं, ना कि हर जगह से हर तरफ से जीवन में दुख आता है। व्यक्ति अपने जीवन में पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके पास पैसा आता भी नहीं है, आता है तो उसका पैसा खर्च बहुत होता है ना। साथ ही साथ उस घर के बच्चों के अंदर आपको चिड़चिड़ा स्वभाव बहुत दिखेगा, उस घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होगा, जहां कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी पित दोष है। अब पितृ नाराज कैसे होते हैं? देखिए बहुत बार बहुत सारी चीजें जाने अनजाने में हमसे ऐसी हो जाती हैं जिससे कि हमारे पितृ जो है यह हमसे नाराज हो जाते हैं। अब हमेशा आप ध्यान रखें कि कितने भी उपाय आप कर ले, कितनी भी पूजा पाठ कर ले, पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है ना। पूजा पाठ भी बहुत जरूरी होती है, उसी तरह से हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पितर प्रसन्न रहेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ उत्तम होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है, और कौन सी चीज है जो आपको जल में डालकर नहानी है, और इस चीज को मात्र डालकर स्नान करने से ऐसा समझिए कि आपका जो भाग्य है उसमें बहुत वृद्धि हो जाएगी और आपके जीवन में पितृ दोष तो दूर होगा ही। लौटकर कभी निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, ना संतान से जुड़ा हुआ दुख, यह चीजें कभी आपके जीवन में नहीं आएंगी। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहां पर एक छुटकी काला तिल लेना है। अब यह जो काला तिल होता है यह श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा हुआ है, और काला तिल जो होता है यह हमारे पितरों से भी जुड़ा हुआ है। जितने भी उपाय हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए लेते हैं, है ना, करते हैं, मतलब जितने भी उपाय उसमें तिल जरूर होता है। काला तिल, सफेद तिल की बात नहीं कर रहे हैं, दो तिल होते हैं ना, एक काला एक सफेद, तो एक छुटकी का काला तिल लेना है, और जिस जल से आप स्नान करते हैं उसमें एक छुटकी काला तिल आपको डालकर ही स्नान करना है। अमावस्या की तिथि, जिस दिन अमावस्या की तिथि है उस दिन, और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा गंगा जल भी डालना है। देखिए जब भी आप, जैसे आप आपके घर के आसपास कहीं भी मान लीजिए पवित्र नदी नहीं है, गंगा माता नहीं है, तब आप क्या करेंगे? गंगा जल तो हर किसी के घर में होता है ना, थोड़ा सा ही आपको गंगा जल डालना है, एक छुटकी काला तेल डालना है और हर हर गंगे बोलकर आपको स्नान करना है। इतना उपाय आप कर लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। यहां पर आपके पितर भी आपसे प्रसन्न होते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलती है, और ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आप देखते हैं कि आपके जीवन में धन भी आना शुरू हो जाता है, जीवन के बड़े बड़े दुख और कष्ट भी आपके जीवन से भागने लगते हैं, इतना ज्यादा चमत्कार होता है। एक छुटकी तिल और गंगा जल अपने जल में मिलाकर जो व्यक्ति स्नान कर लेता है उसके जीवन में वह रातों रात चमत्कार देखता है। तो जो लोग चाहते हैं ना कि जीवन से हर तरह का दुख दूर हो जाए,
हर तरह की समस्या परेशानी कष्ट दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर आषाढ़ महीने की अमावस्या के दिन एक छुटकी तिल डालकर और गंगा जल डालकर स्नान जरूर करना चाहिए। करके देखिए, इस बार आप अमावस्या पर खुद अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव और चमत्कार देखेंगे। पूरी सच्ची श्रद्धा से ही उपाय आपको करना है। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं आषाढ़ महीने की अमावस्या के दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय की। अच्छा, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह विशेषकर उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में क्लेश बहुत बहुत होता है, घर में गरीबी बहुत छाई रहती है, निर्धनता छाई रहती है ना, घर में बहुत ज्यादा पैसों की कमी रहती है, घर में बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची होती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि पैसा आता है खर्च हो जाता है, वह लोग अलग हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि घर में पैसा ही नहीं आता है, खर्च कहां से होगा, पैसा ही नहीं आ रहा है ना। तो जिनके घर में बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, उन्हें आषाढ़ अमावस्या के दिन यह दूसरा उपाय करना है, क्योंकि अमावस्या की जो तिथि होती है यह श्री हरि विष्णु को भी समर्पित होती है और हमारे पी को समर्पित होती है। अब श्री हरि विष्णु ही है जो हमें हमारे जीवन में अधिक से अधिक धन देने का काम करते हैं, और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना है। अगर आपको तो ऐसा समझ लीजिए कि हल्दी हो गई और तुलसी मैया हो गई, ये दो चीजें उनकी पूजा में जरूर से आपको करनी है। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है, बहुत जरा सी पिसी हुई हल्दी, एक से दो छुटकी इतनी ही हल्दी लेनी है, और शुद्ध जल के अंदर आपको इस हल्दी को घोल लेना है अच्छे से। अब ये जो हल्दी वाला जल है, ठीक है, अब सबसे पहले आपको इसे कहां डालना है, तुलसी के पौधे में। आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है, उसमें आप हल्दी वाला जल चढ़ाएं और फिर थोड़ा सा जल हल्दी वाला आप बचा लें और इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कर दें। जितने भी कमरे हैं आपके घर का, मुख्य द्वार जो मेन दरवाजा है, वहां पर भी अंदर की तरफ और पूरे घर में हल्दी वाले जल का छिड़काव कर दें और हल्दी वाला जल ही तुलसी जी के पौधे में चढ़ा दें। अब देखिए, ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति हल्दी वाला जल तुलसी जी के पौधे में चढ़ा देता है और उसके बाद अपने घर में इसका छिड़काव कर लेता है, उसे अपने जीवन में श्री हरि विष्णु से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। माता तुलसी और श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी ऐसी कृपा उसके ऊपर करते हैं कि वह व्यक्ति रातों रात धन में खेलने लगता है, मतलब उसके जीवन में बहुत तेजी के साथ पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हल्दी आपके जीवन में सुख समृद्धि धन की वृद्धि इन चीजों को बढ़ाने का काम करती। आपके जीवन में किसी एक जगह से, किसी एक तरफ से धन को नहीं खींचती है, हर जगह से, हर तरफ से धन को खींचने का काम करती है, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है आपके गुरु ग्रह से, आपके गुरु ग्रह को बहुत मजबूत कर देती है। और जैसे ही आपकी कुंडली में गुरु मजबूत हुआ ना, आप धन में खेलते हैं। दूसरी चीज, श्री हरि विष्णु इतने प्रसन्न हो जाते हैं जब आप तुलसी जी के पौधे में हल्दी वाला जल डालते हैं कि आपकी सारी मनोका को वह पूरा कर देते हैं। इतना उत्तम उपाय है अमावस्या के दिन का, यह उपाय आपको विशेषकर जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि अगर पितृ नाराज है ना, बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं होता है कि हमारे पित हमसे नाराज हैं। पता कैसे लगाएंगे कि पित नाराज है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में क्लेश बहुत रहता है, घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है, हर वक्त लड़ाई, हर टाइम कुछ ना कुछ बोलना है ना, या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, संतान को लेकर आप परेशान हैं, है ना, बच्चे जो हैं वह पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाते, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हां, हमारे घर में कहीं ना कहीं पितृदोष हो सकता है। अब देखिए, पितृदोष है या नहीं, उपाय करने से आपको हमेशा लाभ ही मिलेगा, कभी भी आपको इसका नुकसान नहीं होगा, है ना। तो हमेशा कोशिश करें कि अगर पितृ नाराज हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपाय करें, और पितृ नाराज नहीं भी है ना तो कभी भी आपसे पितृ आपके नाराज ना हो, इसलिए उपाय आपको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि पितृ प्रसन्न रहते हैं ना। तो घर में आपको अपने सब कुछ मिलता है, आपके घर में धन भी होता है, सुख भी होता है, समृद्धि भी होती है, बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है ना, सब लोगों को सफलता भी मिलती है,
जब पितर आपके प्रसन्न होते हैं। अब अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम है। अच्छा वृक्षों में तीन वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पितरों का वास माना जाता है। उन्हीं में से एक है पीपल का पेड़, जिसमें हमारे पितरों का वास होता है। आपको क्या करना है, एक लोटा में जल लेना है। एक लोटा जल लेंगे, उसके अंदर थोड़े से चीनी के दाने डाल लेंगे या गुड़ डाल लेंगे, कोई भी चीज आप डाल लें। अब यह मीठा जल आपको लेकर जाना है पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल की जड़ में आपको यह मीठा जल चढ़ाना है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन सुबह के टाइम, ठीक है ना, सुबह के टाइम पर मीठा जल पीपल के पेड़ में अर्पित कर देता है, उसके पी कभी उससे नाराज नहीं होते हैं और हमेशा वह व्यक्ति अपने जीवन में धन में खेलता है। धन उसके के घर में आता है, कभी भी उसके घर में कोई दुख नहीं आता, उसके जीवन में कष्टों के लिए कोई जगह नहीं बचती है।